मुईज साहब हैदराबाद से पूछते हैं, आजकल जो गेमिंग जोन्स खुल रहे हैं जहां नौजवान 1 या 2 घंटे खेलते हैं और इसके पैसे देते हैं, क्या इस तरह का बिजनेस करना जायज़ है और इसकी आमदन हलाल है या नहीं? ये जो आजकल गेमिंग जोन खुले हुए हैं, बच्चों का टाइम ज़ाया करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है माशाल्लाह, ये बच्चों की सलाहियतों को बर्बाद करने का। तो इसकी अर्निंग, अगर कोई उसमें खेल ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा यानी वाज़े तौर पर उसमें बेहयाई हो, तो उस खेल की अर्निंग तो जायज़ है, क्योंकि जो खेल खेलना जायज़ है तो उसकी अर्निंग भी जायज़ है। लेकिन जैसे मैंने ये शुरू में बता दिया कि ये बच्चों का टाइम ज़ाया करने का एक ज़रिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कराहत से बहरहाल ये खाली नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हराम है, हराम होने की तो कोई मजबूत दलील होनी चाहिए, हराम होने की तो हमारे पास कोई मजबूत दलील नहीं है, लेकिन ये एक शरीयत के मिजाज के बहरहाल खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहू मा ला यानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की अच्छाई में से ये है, कि इस्लाम की खूबी में से ये है कि इंसान ला यानी चीज़ों को तर्क कर दे। तो ना इन वीडियो गेम को खेलना ये शरीयत में पसंदीदा है, और ना खेलने का इंतज़ाम कराना। तो घर में बच्चे कभी कभार कोई छोटा मोटा कार्टून देख लें या कोई वीडियो गेम खेल लें तो वो नाजायज़ नहीं है, लेकिन गलत नहीं है वो, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्हिमाक गलत है। तो मैं मशवरा यही दूंगा कि आप ये बिज़नेस ना करें, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आमदन बहरहाल हराम नहीं है, ना पसंदीदा है, मुनासिब नहीं है, लेकिन हराम नहीं है। बहरहाल मशवरा यही देंगे, क्योंकि ऐसा काम करें जिसमें कौम को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, कौम को भी फ़ायदा हो।